राम राम सर, मैं भावना कौशिक, स्वागत है तारो न्यूज दोरारी में। आज अपन पहुंचे हैं दोरासर गांव की सरकारी नर्सरी में, जटे गांव के सरपंच दिलीप मीणा द्वारा महिला कर्मचारी के साथ मारपीट को मामलो जो को काल नजर आयो हो बिना लेके आज सैनी समाज का लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो के साथ लगातार बना रहो पूरी जानकारी थान देशा कया के अनकी मांग है, क्यों ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और प्रशासन से के ये अब उम्मीद कर रहे हैं। अब हमारी मांग है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये नर्सरी अच्छी तरह से चले और ऐसा माहौल दोबारा उत्पन्न ना हो यहाँ पे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे दोबारा हो, ये लोग भी नहीं चाहते कि ऐसी विडम्बना दोबारा आए कि ऐसा माहौल बने। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कर्मचारी यहाँ लगा रखी है उससे काफी दिनों से हम सभी परेशान थे, ये लोग भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। तो मेरी उच्च अधिकारियों से, वन विभाग के अधिकारियों से बात हुई, मैंने उनको कहा कि भाई आप ऐसा करो ना, आप अगर नर्सरी को वास्तव में चलाना चाहते हो तो इसको हटा दीजिए और कोई बढ़िया ऐसा कर्मचारी लगाइए जिससे कि नर्सरी अच्छी चले। अब नर्सरी बंद है, हमें भी पीड़ा है, पेड़ पौधे जल रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि भाई यहाँ का माहौल भी अच्छा रहे और ये नर्सरी भी आगे भविष्य में जैसे पहले चलती थी वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहे। तो उच्च अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है, थोड़ी देर में आने वाले हैं, मेरी बातचीत सुबह से उनसे चल रही है, 15-20 मिनट आधा घंटे में वो लगभग मुझे 4 बजे का टाइम दिया है कि वहीं पे आ रहे हैं और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान करेंगे। अगर वो समाधान नहीं करते हैं तब तक हम यहाँ धरने पर बैठेंगे और यहाँ भी अगर नहीं हुई कलेक्ट्रेट पे देंगे और भी कुछ आगे तक भी इसके लिए हमें कुछ करना पड़े, लेकिन हम चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक कि इस कर्मचारी को यहाँ से नहीं हटाया जाता। उसके हटाने के बाद हम चाहते हैं कि नर्सरी सुचारू रूप से अच्छी चलेगी, हम भी उसमें सहयोग करेंगे, ये लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि उस कर्मचारी को पहले यहाँ से हटाया जाए जिससे कि यहाँ का माहौल अच्छा रहे, अच्छी नर्सरी चले, ये लोग भी अच्छी तरह से यहाँ काम कर सकें और आने वाला अधिकारी इनको भी कोऑपरेट करे, ये उनको कोऑपरेट करे और इस नर्सरी का लाभ जो आसपास के 150 गांवों को मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर यहाँ से पेड़ पौधे पूरे जिले में वितरित किए जाते हैं, तो ऐसा माहौल हम क्रिएट करना चाहते हैं। मारपीट करी गई है, देखो सरपंच को भी हाथ है, बताया जा रहा पीड़िता का आरोप है कि सरपंच शामिल हाथों, सरपंच होने के नाते कि एक जनता प्रतिनिधि नहीं हो शोभा दे है कोई महिला कर्मचारी पर। आपकी बात बिल्कुल जायज है कि ऐसी वारदात के लिए, लेकिन हमने जो पहली प्राथमिकता रखी है वो ये रखी है कि इस कर्मचारी को यहाँ से हटाया जाए, उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई है बाकी बचे हुए मुद्दे उन पे बात करेंगे। पहला हमारा प्राथमिकता है कि इस कर्मचारी को यहाँ से हटाया जाए, उसके बाद में उन्होंने केस किया, हमने भी केस किया है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया होगी और जिसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो के कार्रवाई जो की है सरपंच के खिलाफ करी जाएगी, सरपंच को गिरफ्तारी है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जिन जिन्होंने भी किया है इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम तो ये चाहेंगे कानून करेगा। और हमें उम्मीद है कि जैसे कि जो भी इसमें संलग्न है इसके अंदर कल की घटना में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी अधिकारी को यहाँ से निकाला जाए उन बाकियों, और सरपंच जो महिला पर अत्याचार किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बच्चे को मारा है इसको बर्खास्त किया जाए यहाँ से सरपंच से, और यहाँ इसको कड़ी से कड़ी सजा जाओ, जेल में रह रही तब इस धरना छोड़ेंगे या तब तक धरना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ औजार साथ में लेके आए, चक्कू लेके आए साथ में और एक फूकनी लेके आए, और वो पुलिस ने मौके पे उसको बरामद किया गया, पुलिस ने बरामद किया है फूकनी को, चक्कू और लकड़ियां को गायब कर दिए। ये भी होगा, इन सब दिक्कत हो रही, दिक्कत सागा ला
सगल हाथ अभी समाप्त हो गया झूठा काल नर्सली खुद काम माता से तो बात कोई बनी ही बात के बात काम हो अब जब बाद में यो काम हो जाता के बाद में पाव लाई अब लाई तो लेबर का सामने लेबर ने कितने भी ना लेबर के सामने भी ना अकेली ने अकेली ने क्यों बोल दो खैर के हमारी बिन घर ला के कमरे के बारे में क्या बोल रहे कमरा मारो जुड़ के छोरा का रात की छोरो आयो उनका तला मार दी रूं कम दी मारी क्लोज करके क्लोज करके बाहर रखी थी माई बड़ी मेरा वो बेहोश करके हर बार और तीन दिन हर बार सास आई हथियार तो सा गए और बिन मार तो पूछ सानो थी थी पंचलाल की और हां सके संसे के सासू और वो दलीप मीना और पांच जने डंडे कूद के मार भागे वो तो नहीं और ये मौजूद थे पकड़ के इसने और ठंडे के दिन वो ड्यूटी कर दिया ठंडे के 12 बजे छुट्टी हो गई। हंसा जी थार पर पीड़िता द्वारा मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है और मैं कितनी सब इसमें पूरी झूठ है। अब आप ये बताओ मैं और मेरे साथ दो लेडी एक एक 150 करीबन आदमी और रजबन मार सका है कि मैं ये बोल रहे हैं कि एक बजे धोखे से इकलौती औरत ने थे बुलाया नहीं साहब बिल्कुल कौन बुलाया पहली मेरे साथ भी को लड़को और बा और भी बहन और भी का लड़का भी की लड़कियां सब आज मेरे साथ मारपीट कर गया भी के बाद में मेरे सास ससुर ने फोन करी और बुलाया सरपंच साहब ने फोन करिया वे सब आया को नहीं कि मैं लेट होगा बाद में सरपंच साहब फोन करिया भाई थका बिना पापा ने भेजो की तो पापा तो आया को नहीं वैसे आया और फिर भी कोई बात को नहीं हुई है की और बाकी बात है मिस टोल की तो मैडम जी मंत्रालय सब छुट्टी पर है बाहर तो मिस टोल आ रही कौन तो बिन देख दो मिस टोल में यही मेन बात यही है वो ये कह रहे हैं कि 2 साल से कुछ फर्जीवाड़ो हो रहे है नहीं कोई फर्जीवाड़ो को नहीं हो रही मैडम जी थे चाहे आप अब आगे से खुद आर चेक कर लीजिए कोई फर्जीवाड़ो को नहीं हो रही जो आदमी आवे काम करे बाका जी जाएंगे कल रविवार हो रविवार के दिन थारी छुट्टी रहे तो छुट्टी रहती है 24 घंटे ड्यूटी रहती है हमारी हाँ बस 24 घंटे रहती है तो मैं कना भी आ सका था कना भी जा सका था तो अभी आया हूँ मेरे को पहला कल पता लगा था रात को कि ऐसी घटना हुई कि हमारे यहाँ जो मेट काम करती थी उसके यहाँ जो वन रक्षक हंसा मीणा उनके आपस में मारपीट हुई बताई और हॉस्पिटलाइज बताई वो जैसा भी इन्होंने बताया कि वो जो लेडीज है हॉस्पिटलाइज है उसमें क्या है कि जो भी हमसे नियमानुसार जो कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाएगी उनकी गलती है जांच करेंगे और उसकी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से खेद है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि जान माल से ज्यादा क्या है तो ये इसके लिए हमें भी बहुत दुख है इस बात का तो मारपीट की बात करा तो मारपीट के पीछे जो की वजह है वह फर्जीवाड़ो है जो कि 2 साल से ये नर्सरी में लगातार रूप से चलता आ रहा है तो ये 2 साल का तो मुझे पता नहीं है मेरा पोस्टिंग जनवरी में हुआ है और कोई फर्जीवाड़ा आया तो उसकी जाँच कराए राज्य सरकार बैठी है कलेक्टर साहब बैठे हैं डीएम साहब बैठे मेरे से उच्च अधिकारी बहुत बैठे जो पीड़िता है वह कहो है कि कलेक्टर साहब का डीएफओ साहब तक वह जो है शिकायत लेके पूछा है बनके सुनवाई को नहीं हुई ऐसा इसलिए कि 1 से 5 तक हमारे भर्तियां चल रही थी वो लेडीज मेरे पास भी आई थी सुबह से रात तक हमारे वन रक्षक की भर्ती का प्रोग्राम चल रहा था उनको मैंने कहा था कि ये 5 तारीख को निपट जाए उसके बाद आ जाना उसके बाद मेरे पास तो आई नहीं डीएफ साहब पास गई तो मुझे जानकारी है आज ये सैनी समाज का लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कर्म बिल्कुल अगर हो रही है तो इनकी मांग को मानेंगे उसमें क्या दिक्कत है ऐसा कोई जरूरी नहीं कर्मचारी बहुत है उसमें जो ढंका होगा उसको रखेंगे आगे के फैसले लियो क्या जी के फैसले लियो वो तो हमारे पदस्थापन का काम डीएफ साहब का है जो अभी हमारी वार्ता हुई सरपंच साहब से बात हुई बुधराम जी को रखना बुधराम जी कल सुबह से यही रहेंगे हंसा को कहीं और लगाए अटैच करें कुछ करें सस्पेंड करें डीएफओ का इनका कॉल आया कि आपकी क्या मांगे मैं बोले सर मांगे फोन पे नहीं बताई आप मौके पे आइए जो हमारी मांगे है वो आपको अवगत करा देंगे आप समाधान करोगे तो हम अपना धरना समाप्त कर देंगे स्वादपूर्ण वातावरण में अच्छी बात हुई और सब लोगों के सहयोग से जो हम सुबह से धरने पे बैठे थे ये धरना इसलिए कि रंजन साहब ने जिस व्यक्ति को जो पिछले 10-15-20 साल से इस नर्सरी को संभाल रहे थे बुधराम जी हम सब की मांग यही थी कि वो यहाँ रहें जिससे कि हमें
फिर से ये नर्सरी हरी भरी दिखाई दे। अभी आपने भी देखा कि क्या स्थिति है इस नर्सरी की। रेंजर साहब ने हमारी मांग तुरंत कहते ही उसको यस कर दिया कि कल से बुधराम जी आएंगे, हंसा जी यहाँ कभी आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि वो यहाँ आएंगे नौकरी के लिए। बुधराम जी अच्छे, आपने इनको चूज कर रखा और ये काफी, कभी शिकायत भी नहीं आई पिछले 15-20 साल से, तो बुधराम जी को लगा दिया। हम भी खुश हैं, पूरा हमारा ये जो सुबह से धरने पे सभी खुशी का, हम वन विभाग के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आके इस मामले को, जो गतिरोध यहाँ चल रहा था हंसा मीणा के खिलाफ, उनको समाप्त कर दिया। हम कि भारत जैसा देश जिकमा लोकतंत्र चले है, जनता से चुनके सरकार बने हैं और जो कि जनता की रक्षक हुए है, वही कदे कदे भक्षक कया बन जावे है। जो कि देखा कि दोरेसर गांव का सरपंच दिलीप मीणा द्वारा महिला कर्मचारी के साथ मारपीट को मामला जो को नजर आयो हो भी ने लेके ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जो महिला जो कर्मचारी है फॉरेस्ट विभाग की बिना अटान की मांग बता रहे हैं कि हद तक यह जो की मांग है या सही है कि सरपंच को एक महिला कर्मचारी के ऊपर हाथ उठानो जायज हो। जो भी तारी राय है वह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजो और अगर वीडियो ने शेयर नहीं करो तो एक बार दबा के शेयर कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलियो। थारो प्यार न्यूज़ दोरारी के साथ आए बनाए रखो। धन्यवाद।